ताला अन्हा फरमाती है कि एतिकाफ करने वालों के लिए एतिकाफ के मामले में सुन्नत यह है कि वो न मरीज की इयादत करे, न जनाजे में जाए, न औरत को हाथ लगाए, न उससे मुबाशरत करे, न किसी हाजत के लिए मस्जिद से निकले, बजुज इस हालत के कि जिसके लिए मस्जिद से निकलने के सिवा कोई चारा न हो। और एतिकाफ रोजे के बगैर नहीं होता। अगरचे एतिकाफ के लिए हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक अपना एक टाइम टेबल बना सकता है, लेकिन सहूलत के लिए यहां पर चंद ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जो एतिकाफ करने वालों के लिए मुफीद हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी काम अगर प्लानिंग के साथ किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, तो उसका अजर और सवाब भी कई गुना बढ़ जाता है और इंसान का वक्त भी ज्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल होता है। नमूने का एक टाइम टेबल हाजिर खिदमत है। मसलन दिन का आगाज सुबह उठने से होता है। एतिकाफ में अगर आप रात के तीसरे पहर उठ जाएं और अल्लाह पाक के हुजूर मुनाजात करें, दुआएं मांगे, जिक्र अजकार करें, नवाफिल पढ़ें, तो वो वक्त इबादत के लिए नहायत बेहतरीन है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब जब आखिर तिहाई हिस्सा रात का बाकी रह जाता है तो आसमान दुनिया पर उतरता है और फरमाता है, कौन मुझसे दुआ करता है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन मुझसे कुछ मांगता है कि मैं उसको दूं, कौन मुझसे गुनाहों की माफी चाहता है कि मैं उसके गुनाह माफ कर दूं। और वैसे भी सुबह के औकात में सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार अल्लाह के मुकर्रब बंदों का शेवा है। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं अपने नेक बंदों के बारे में कि वह बिल असहारी हुम यस्तग़फिरून, सहरी की घड़ियों में वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। इसलिए उस वक्त जिक्र में बेहतरीन वजीफा इस्तिग़फ़ार का हो सकता है। जिक्र और अस्कार के बाद सहरी के वक्त आप सहरी भी खा सकते हैं। एतिकाफ में खाने पीने की कोई ममानत नहीं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। इसके बाद नमाज फजर का वक्त आता है। अगर खवातीन घर में एतिकाफ कर रही हो तो उनके लिए खासतौर पर फजर की नमाज में लंबी नमाज पढ़ना ज्यादा मुफीद है। इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारे सामने है। बुखारी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज से उस वक्त फारिग हो जाते जब हम में से कोई अपने पास बैठने वाले को पहचान लेता। आप इसमें यानी फजर की नमाज में 60 आयतों से लेकर 100 आयतों तक पढ़ते थे। तो इससे पता चलता है कि एक तो फजर की नमाज जरा जल्दी शुरू कर लेनी चाहिए यानी वक्त होते ही अंधेरे में, दूसरे ये कि वो तमाम नमाजों से ज्यादा लंबी नमाज होनी चाहिए जिसमें 60 से 100 आयात तक पढ़ी जाए अगर जबानी याद हो। और उसके लिए जाहिर है कि फिर जबानी कुरान पाक याद करने की भी कोशिश करनी चाहिए, तभी सुन्नत पर अमल हो सकता है। नमाज फजर के बाद सुबह शाम के मसनून अज़कार पढ़े जा सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलामों को आजाद करने से ज्यादा पसंद है जो नमाज फजर से तुलुए आफताब तक अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये वक्त जिक्र के लिए बहुत बेहतरीन है और ऐसे लोगों के साथ बैठने को जो उस वक्त जिक्र कर रहे हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है, और जिसकी महफिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठना पसंद करें फिर उसकी शान क्या हो सकती है, इससे बढ़कर उसके लिए एजाज क्या हो सकता है। इन अज़कार के अलावा इस वक्त आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं।
क्योंकि कुरान पाक की तिलावत के लिए भी ये वक्त बहुत मौजू है। सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना कुरान अल फज्र कान मशहूदा, बेशक सुबह का कुरान हाजिर किया जाता है, यानी उस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं। फिर इसी तरह अगर आप अपने इतिकाफ ही की जगह पर नमाज, जिक्र, तिलावत के बाद सूरज तुलू होने का इंतजार करें, जिक्र में मशगूल रहें, हत्ता के नमाज इशराक का वक्त हो जाए, तो उसको भी साथ ही अदा कर लें। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने फजर की नमाज जमात से पढ़ी, फिर सूरज तुलू होने तक बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा और दो रकत नमाज अदा की, यानी इशराक की नमाज, उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। रावी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरे एक हज और एक उम्रा का सवाब, यानी बहुत ही अजर व सवाब है इस वक्त की इबादत का। इशराक के नवाफिल के बाद अगर आप अपने इतिकाफी की जगह पर बैठकर मजीद कुछ कुरान पाक वगैरह पढ़ना चाहें तो ऐसा भी आप कर सकते हैं और फिर मजीद नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए आदम के बेटे, दिन के शुरू में मेरे लिए चार रकत नमाज अदा कर, मैं तेरे सारे कामों के लिए काफी हो जाऊंगा। इस नमाज को चाश्त की नमाज कहा जाता है। अगर कुछ सुस्ती या थकावट महसूस हो रही हो तो बेहतर है कुछ देर अब आप आराम कर लें। आप लेट कर भी जिक्र अजकार कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सो भी सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी तबीयत अच्छी पाते हो तो बेहतर है कि अब आप कुछ वक्त मुताले के लिए निकालें। दीनी किताबों का मुताला, कुरान पाक की तफसीर पढ़ना, और अगर आप पढ़ ना सकते हो तो कैसेट लगाकर सुनना, और दीनी कुतुब को जो आपके रोजमर्रा की दीनी मसाइल से मुतल्लिक हो या अखलाक और किरदार को संवारने वाली हो, उनको आप अपने जेरे मुताला रख सकते हैं, क्योंकि तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल मुस्लिम, इल्म का हासिल करना, तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और वैसे भी इल्म के सीखने और सिखाने वाले अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं। फिर इसके बाद जोहर की नमाज तवील अदा करें, नवाफिल भी पढ़ सकते हैं मजीद, फिर थोड़ा सा कैलूला आप कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको तहज्जुद के वक्त उठने में, रात को जागने में सहूलत हो सकती है। नमाज जोहर के बाद, कैलूला के बाद आप कुछ वक्त कुरान पाक की कुछ सूरतों को हिफ्ज करने के लिए, और अगर आप हाफिज कुरान हैं अल्लाह के फजल से, तो अपने दोहराई के लिए उस वक्त को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक अगर दोहराया ना जाए तो इंसान को भूल जाता है। असर की नमाज भी इसी तरह खूब अच्छी तरह अदा करें, तहारत वगैरह का अच्छा एहतमाम करें, और असर की नमाज को ताखीर से नहीं पढ़ें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप के पीला पड़ने पर असर की नमाज पढ़ने वाले को मुनाफिक करार दिया है। और कुरान पाक में भी इस नमाज की हिफाजत की बहुत ताकीद आई है, हाफिजु अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वकूमु लिल्लाहि कानितीन, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जाओ जैसे फर्मा बरदार गुलाम खड़े होते हैं। असर से लेकर मगरिब तक का वक्त, इसमें आप तस्बीहात कर सकते हैं, और इस वक्त भी जिक्र करना निहायत पसंदीदा है। आपने फरमाया, मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना चार गुलाम आजाद करने से ज्यादा पसंद है जो नमाज असर से गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र करें। इस वक्त भी आप सुबह शाम की दुआएं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और तस्बीहात, मसलन सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अल अजीम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अल्लाहुम्म सल्ले व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन,
या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये जिक्र के कुछ मखसूस कलिमात हैं। अपनी सहूलत के मुताबिक आप जिस जिस की चाहें जितनी मर्तबा चाहें तस्बीह कर सकते हैं। इसके बाद इफ्तार का वक्त करीब होगा, फिर दुआएं खूब मांगे क्योंकि इफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। इफ्तार में कोशिश करें कि आप हल्का खाना पीना रखें, क्योंकि इफ्तारी के वक्त अगर आप बहुत ज्यादा खा पी लें तो आइंदा की इबादत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एतिकाफ में इंसान कहीं चल फिर भी नहीं सकता। इसलिए ग़िज़ा के बारे में खास एहतियात की जरूरत है। ऐसी ग़िज़ाओं से बचें कि जिनकी वजह से आपके मैदे पर बोझ हो, आपकी तबीयत में सुस्ती हो और आप यकसुई और शौक के साथ अल्लाह की इबादत न कर पाए। नमाज मगरब में खूब दिल लगाकर खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करें। उसके बाद अगर आप चाहें तो खाना खा सकते हैं। खाने के बाद नमाज इशा से पहले अगर आप वक्त मुकरर कर लें कि कुछ दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मौकों की मुनासबत से पढ़ते थे उनको याद कर लें, तो ये भी एक अच्छी कोशिश होगी। मसलन घर से निकलते वक्त की दुआ, घर में दाखिल होते वक्त की दुआ, सवारी पे बैठते वक्त की दुआ, इसी तरह आईना देखने की दुआ वगैरह वगैरह। सुबह शाम के बहुत से ऐसे अज़कार मौजूद हैं कि जिन्हें आप अपनी आदत बनाने के लिए ज़बानी याद कर सकते हैं और जिससे आपकी जिंदगी बरकतों से मालामाल हो सकती है। फिर इसी तरह कोशिश करें कि तरावी की नमाज बहुत अच्छी तरह और तवील अदा हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नमाज के बारे में हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मत पूछो उनके हुस्न के बारे में और उनके तूल के बारे में कि कितनी लंबी रकतें होती थी आपकी रात की नमाज की और कितने खूबसूरत तरीके से आप उनको अदा करते थे। सिर्फ तादाद पूरी करने, गिनती पूरी करने की कोशिश न करें, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए तवील क्याम, तवील रुकू और तवील सजदों की भी कोशिश करें। मालूम नहीं जिंदगी में आइंदा ये मौका मिले या ना मिले, तो इन फुर्सत के लम्हात से खूब खूब फायदा उठाएं। इसके बाद आप रात को आराम कर सकते हैं। आराम के लिए भी आप मसनून तरीका इख्तियार करें। दाएं करवट पे लेटें, दाया हाथ दाएं गाल के नीचे रखते हुए मसनून दुआ पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें और इस तरह आप सुबह से लेकर रात तक, आप जागने से लेकर सोने तक मुसलसल इबादत की हालत में रहेंगे। अगर आप एक टाइम टेबल की इसकी या इसके अलावा अपनी जरूरत के मुताबिक एक पाबंदी करेंगे तो इंशाल्लाह अपने औकात से बेहतर फायदा उठा सकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक भी दे और इन औकात और लम्हात को बेहतरीन